अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आप 2.5 लाख रुपए के लिए अगर खेलना, आगे सर 2.5 लाख रुपए ले ले या आगे खेलना चाह रहे हैं? नहीं नहीं खेलते खेलते हैं। बजर दबाएं, बजर दबाएं, खेल। ओके जी, 2.5 लाख रुपए लग गया। अब आप 5 लाख रुपए के लिए खेलने वाले हैं। 5 लाख के लिए देखते हैं कैटेगरीज हमारे पास कौन कौन सी बची हैं। कल्चर, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, पर्सनैलिटी, जर्नल नॉलेज, स्पोर्ट्स, रिडल्स, एनिमल किंगडम होगी, साइंस होगी, ज्योग्राफी होगी और सोशल स्टडीज भी हो चुकी है। अच्छा। अब कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लगता है कि आप 5 लाख रुपया जीत जाएंगे? पर्सनैलिटी कर लें। है पर्सनैलिटी रुकते ही नहीं है, रुकते ही नहीं है, नहीं रुकते हम लोग। ओके ठीक है, पर्सनैलिटी पक्का। किस बच्चे की पर्सनैलिटी आपको पसंद है? अच्छा जी, ज्ञान भी आ गया, जरहून भी आ गया, ईमान भी आ गई। अब आपके पास अयान बचा है और हमना। ए अयान। ओ अयान। मैं आपको बता दूं, अयान से बड़ा डॉज बॉल हमारे पास नहीं है। ये जवाब कुछ देता है, सवाल कुछ और होता है, कंफ्यूज भी करता है और अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलती भी कर लेता है। तो ये जो आपने पार्टनर लिया ना, गुड लक सर, गुड लक आपको। बहुत बहुत अच्छा जी, आपने पर्सनैलिटी चूज की। सर पर्सनैलिटी में फेवरेट पर्सनैलिटी पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर बात करें तो आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी, द आइकॉन जिसको आप देखते हैं, कौन है? वैसे तो बड़ी पर्सनैलिटीज गुजरी हैं जिसने, जिनको देख के बंदा कहता है, जिनके बारे में सुन के बंदा कहता है कि यार काश मैं उस वक्त होता, मैं उनको देखता जी कि वो क्या कर रहे हैं। तो मगर शहर कायद में खड़े होकर अगर कायद अजम के अलावा बंदे के जहन में कोई बात आती है तो कैसे आ सकती है? सही बात। कायद अजम, यकीन करें, बाय कन्विक्शन कह रहा हूँ कि उस बंदे की जो कुर्बानी है ना वो, और जिस तरीके से उसने हमें उससे निकाला, और आप सोचें ना आज कितने परसेंट हमारे मुल्क में डॉक्टर्स, कितने परसेंट इंजीनियर्स, परसेंटेज आबादी के परसेंटेज में जी जी उस हिसाब से लगाएं, क्या इस परसेंटेज के साथ अक्रॉस द बॉर्डर ऐसे रह सकते हैं? अगर खुदा ना खास्ता हम एक होते तो जी जी बिल्कुल, और बड़े टाइम के ऊपर हमें हमें अलहदा कर दिया। ज्यादती हमारी हाथ हुई है उस वक्त, मगर उस ज्यादती से बेहतर है जो अभी हो रही है। अरे। मगर इंशाल्लाह जैसे आपने कहा कि आज है अंधेर तो कल है उजाल, साया खुदाए जुलजलाल जी। अच्छा जी, सर पर्सनालिटी की बात हो रही है, आपने अयान को चूज किया है भाईजन, ठीक है, ये सलूट मार रहा है, सलूट। अच्छा जी, 5 लाख रुपए का सवाल, आपके 2 चीट्स जा चुके हैं। अगर सवाल का जवाब गलत हुआ तो मेरे 3, इसके 3 गए। कितने जालिम हो आप लोग। आप लोग चाहते हो कि मैं बिल्कुल हार जाऊं? नहीं नहीं जी। 5 लाख रुपए का सवाल कैसा होता है ये देखें। Which Pakistani poet was awarded Russian Lenin Award in 1962? Which Pakistani poet was awarded Russian Lenin Award in 1962? ये पेपर किसने बनाया? सर ये पेपर, ये बोल से आता है, ये न्यूट्रल पेपर है, हम लोग हम लोग कुछ नहीं कर सकते जी। सर वैसे मुझे बताएं, शेर व शायरी का शौक है? शौक था, इस सवाल को देख के दूर हो गए। अच्छा, शादी आपकी बड़ी अर्ली एज में हो गई थी? जी बचपन में। बचपन में शादी मर्जी से हुई थी या घर वालों से? ये भी एक सवाल कर दिया। अब मैं सोच रहा हूं, मुझे शादी से एक दिन पहले वाले अपनी आजादी याद आ गई। और मैं कितना खुश था। ये भाभी देख रही है, भाभी देख रही होगी। लुड़िया डालता फिर रहा था, क्यों भाई? कोई मुझे पूछने वाले नहीं। सर एवरी लैंड एंड एवरी मैन इज मेड टू बी कॉन्कर्ड, ठीक है ना? बिल्कुल सही है, तो वो तो हो गया है। तो ये शादी घर वालों ने करवाई थी? जी बाकायदा घर वालों ने करवाई, बाकायदा, ठीक है। तो उसमें जब आप तब तक तो कितने खुश थे सारे ना, है कितने खुश थे आजाद उड़ते हुए परिंदे को। मैं असल में इसलिए लेके आया था, मैं कहा कि कभी भाभी को शेर कोई अच्छा सा आपने सुनाया हो या भाभी को अच्छा सा गाना आपने कोई डेडिकेट किया हो। रोमांटिक मिजाज आप हैं कि नहीं है? हाँ हाँ बहुत ज्यादा। तो फिर कौन सा शेर या कोई गाना आप उनको अब डेडिकेट करना चाहें? राम राम जपना पराया माल अपना। ओह मुझे लग रहा है आज हम घर नहीं जा रहे। तो इसका मतलब है शेर व शायरी से आपको लगाव तो है अब? हाँ है।
ठीक है, तो फिर ये सवाल का जवाब आपको आना चाहिए। एक आपके पास लाइफलाइन बची है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लाइफलाइन ले लूं? सर ले लें, अच्छा है क्योंकि तीन मेरे भी लगे हुए। सर आपने बजर दबा दिया और आपका जवाब, आपका जवाब क्या है उसके बाद मैं इनका जवाब लूंगा। फैज अहमद फैज, फैज अहमद फैज, फैज अहमद फैज आपने कहा, आप क्या कह रहे हैं? फैज अहमद फैज। तो मेरा क्या बात है जी, अगर आपको मालूम था फिर आपने ऐनी दबाया फिर। अरे 5 लाख रुपए की बात जीती सर। अच्छा जी, फैज अहमद फैज लॉक करें। पैसा बड़ी चीज है सर। ये जो जरा आपने जुटवा दिया है जी, एक मिनट में आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. Catch up! किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।